उत्तराखंड में आज कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जबकि 7 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 0, चमोली में 0, चंपावत में 0, देहरादून में 3, हरिद्वार में 0, नैनीताल में 7, पौड़ी में 0, पिथौरागढ़ में 2, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 0, उधमसिंह नगर में 2, उत्तरकाशी में 0 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं उत्तराखंड में आज कोरोना से 7 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 342,910 हो गया है। इसमें से 329,143 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अब तक 7,380 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 2 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर ब्लैक फंगस के 2 नए मरीज मिले हैं। अभी तक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 576 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 4 मरीज ठीक भी हुए हैं। कैंपटी फॉल से बड़ी खबर आई। कैंपटी फॉल में डूबने से युवक की मौत। यूपी से मसूरी घूमने आए थे 7 दोस्त, तो कैंपटी फॉल में नहाते हुए बुलंदशहर के एक पर्यटक की पानी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुलंदशहर से 7 दोस्तों का ग्रुप कैंपटी फॉल घूमने आया था। 3 सितंबर को श्रीनगर में सीएम धामी की जन आशीर्वाद यात्रा करेंगे चुनाव अभियान का आगाज। तो 3 सितंबर को श्रीनगर गढ़वाल में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। इस यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रीनगर पहुंचे। श्री ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 5 दिनों से बंद। श्रीनगर में पेट्रोल डीजल की किल्लत। तो श्रीनगर में लोग पेट्रोल डीजल के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सड़क बंद होने के कारण ज़रूरी सामानों के ट्रक यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क ब्लॉक होने से ट्रक जगह जगह फंसे हुए हैं। 3 महीने पहले रिहा हुआ कुख्यात बदमाश लाखों की ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार। 11 मुकदमे हैं दर्ज। तो हरिद्वार पुलिस ने 3 लाख के ज्वेलरी के साथ कुख्यात चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि आरोपी 3 महीने पहले ही जेल से रिहा हुआ था। पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। 4 बाइकों के साथ 2 चोर गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है। विकास नगर पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को 4 चोरी की 2 पहिया वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है। ऋषिकेश में आप सैनिक मिलन कार्यक्रम। बड़ी संख्या में परिवार समेत पहुंचे पूर्व सैनिक। तो ऋषिकेश में आम आदमी पार्टी ने पूर्व सैनिक मिलन एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक अपने परिवार के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में पार्टी से सीएम चेहरा कर्नल अजय कोठियाल को पूर्व सैनिकों ने कई सुझाव भी दिए। उत्तराखंड में जारी है जल प्रहार। आधा दर्जन NH सहित कुल 82 सड़कें बंद। तो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में रविवार शाम तक बड़े राजमार्ग और ग्रामीण मार्गों को मिलाकर कुल 82 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है। 2 हफ्ते से नीति बॉर्डर सड़क बाधित। हेलीकॉप्टर से सीमांत गाँवों में भेजी गई दवा। तो भारी बारिश के कारण नीति बॉर्डर हाईवे बंद है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा सीमांत गाँवों में हेलीकॉप्टर के जरिए आवश्यक दवाइयों की पूर्ति की गई।